धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहुत ही सुंदर संतों के विचार सुन रहे थे। आज हम सबको अवसर मिला है गुरु संतों का दर्शन लाभ लेने का, विचारों से अपने जीवन को लाभान्वित उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं गुरुजनों के विचारों से, संतों के विचारों से। शिक्षा महत्वपूर्ण है और किसी भी शिक्षा के लिए गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संत जन उदाहरण देते हैं, एक साइकिल के टायर का पंचर, ट्यूब का पंचर बनाने वाले को भी गुरु की ज़रूरत होती है। हम सबको भी गुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ज़रूरत है। गुरु के बताए हुए रास्ता पर चल करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। संत जन कहा करते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाए, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बताए। आज हमारे भारत जैसे देश, जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां गुरु परंपरा माना जाता है, गुरु को स्वीकार किया जाता है, गुरु को दंडवत किया जाता है, गुरु की पूजा अर्चना होती है, इस भारत जैसे देश में 99% लोग आंख मूंद करके चलते हैं। भेड़िया दशान है बस। जो अच्छे विचारों के साथ जुड़े होते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं पर जीवन में आचरण नहीं कर पाते हैं, जब उनके पास कोई समस्याएं आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो विपरीत परिस्थिति के लिए नए सोल्यूशन खोजते हैं, सोचते हैं कहीं नारियल चढ़ा दे, कहीं फूल चढ़ा दे, कहीं भोग लगा दे, उसी से हमारा समाधान हो जाए। गुरु संत समाधान ये बताते हैं, सहना सीखो। बाकी दुनिया के लोग तो कहते हैं यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, यहाँ तर्पण करो। आज हमारे भारत जैसे देश में, मैंने पहले ही कहा, जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जो गुरु के लिए प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में भारत को धर्म प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, उस दुनिया में 99% लोग आंख मूंद करके चलते हैं। जो जानते हैं कि असत्य है पर भी उस चीज को स्वीकार करते हैं, जानते हैं कि पत्थर में नाक रगड़ने से समाधान नहीं मिलने वाला है, पर भी वो जा करके वही नाक रगड़ेंगे, माता पिता की आरती नहीं उतार पाएंगे, गुरु चरणों, गुरु के संतों के सानिध्य में जा करके आरती उतार करके उनकी शिक्षा और दीक्षा नहीं ले पाएंगे। यदि जाएंगे कहीं तो मंदिर में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप हमारा कहा नहीं मानते, हमारे घर में विखंडता आ रही है, घर टूट रहा है, बिखर रहा है, इसके कारण कौन है? खुद उसके कारण होते हैं। खुद बदलना नहीं चाहते हैं, खुद संतों के सानिध्य में जाना नहीं चाहते हैं, और संतों के सानिध्य में कभी चले भी गए तो उन विचारों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं। जीवन नहीं बदलेगा। आज यदि भारत में संत गुरुजन ना होते तो इस भारत देश की दयनीय स्थिति होती, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति। और आज संत गुरुजन है, उसमें भी बहुत से ऐसे गुरुजन हैं जो गुरु के नाम पर बैठे हैं और शिष्यों को, आम जनता को लूट रहे हैं, बस अपना पेट भर रहे हैं और पेटी भर रहे हैं। उनका उद्देश्य वही बन चुका है, न समाज की सेवा करना है, न कुछ नहीं, बस अपना परिवार के भरण पोषण के लिए आज व्यापार चल चुका है। और सदगुरु कबीर की शिक्षा, इतना साफ साफ ज्ञान, मूल सबसे बड़ा गुरु हमारे जीवन में है तो वह है हमारे अंदर जो विचार है, वो सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन उसको बताने वाला कौन है? गुरु ही बताते हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे अंदर परमात्मा है, हम आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप बन सकते हैं, हम अपने जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं। बाहर देवी देवता कहीं पाथर पूजने की जरूरत नहीं, ये चीज भी बताने वाला कौन है, गुरु ही है। इसलिए गुरु को महत्व देना चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को महत्व देते हैं, गाड़ी दुकान मकान परिवार इसी को बस महत्व देते हैं, धन दौलत खेत खरवार इसी को महत्व देते हैं, गुरु को महत्व देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे जो कलिमस खत्म हो जाता, बहुत सारे समस्याएं खत्म हो जाती, हम जो पीड़ित होते रहते हैं परेशान होते रहते हैं वो सारी परेशानियां समाधान हो जाता। लेकिन हम उन परेशानी में और जूझते चले जाते हैं। जब इसे हम परिस्थिति आती है तो हम विचलित होते हैं, विचलित होकर के संत गुरुजनों के सानिध्य में न जा करके हम गलत जगह दिशा पकड़ते हैं, माता पिता के करीब नहीं जाते हैं, जहां हमको कुछ नहीं मिलना है शून्य उस जगह जा करके हम दरवाजा खटखटाते हैं, क्या हमारा समाधान हो जाएगा समस्याओं का, समस्याएं और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम सबको संत गुरुजनों के सानिध्य में जाना चाहिए। और सदगुरु कबीर के विचारों में पारक सिद्धांत एक ऐसा अद्वितीय विचार है जहां कोई संत और गुरु ये नहीं कहते हैं कि तुम दीक्षा ले लो कि तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम मेरे आश्रम में आ जाओ मेरे से जुड़ जाओ मुक्ति मिल जाएगी। इतना साफ ज्ञान पारक सिद्धांत में ये सारे चीज नहीं कहा जाता, लांग लपेट वाली बात, कर्मकांड और पाखंड की बात नहीं, साफ साफ ज्ञान जहां खुद को बताया जाता है। और वेद में भी वही चर्चाएं होती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वह तू ही है, बाहर नहीं, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वेद में भी चार देवता ही माने जाते हैं, मातृदेव पितृदेव आचार्य देव और अतिथि देव। कितने घरों में इस देवताओं की पूजा होती है, अन्य देवता की तो पूजा हो जाती है जिसको स्वयं निर्माण करते हैं, लेकिन जिन इन चार देवता है जिसके बदौलत पूरा विश्व टिका हुआ है, इन चार देवता ना रहे तो कोई पाथर पुथर की पूजने वाले नहीं रहेंगे, कोई देवी देवता को मानने वाले नहीं रहेंगे। चार देवता है तब सारे देवताओं का महत्व है, और ये चार देवता नहीं तो किसी का महत्व नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि माता पिता की पूजा करे, गुरुजनों की पूजा करे, आचार्य गुरुजनों की पूजा करे, अतिथि का सम्मान करे, तब हमारा जीवन बदलेगा। नहीं तो हम जीवन में अन्य लोग जैसे भटक रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, सही ज्ञान ना मिलने के वजह से अपना समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे हम भी अपना समय और शक्ति बर्बाद करते चले जाएंगे। इसलिए हम सबको सही ज्ञान की ओर जुड़ना चाहिए, और गुरु ज्ञान पाने के बाद में हमारे मन की जलन खत्म हो जाना चाहिए। मन की जलन, जिस व्यक्ति का मन का जलन खत्म हो जाता है वो आदमी मन से प्रसन्नता महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, वो आदमी दुखी नहीं होता है। और जो आदमी दुखी नहीं होता वो दूसरों को दुख देने का काम भी नहीं करता है। हम क्या करते हैं, वाणी के माध्यम से व्यवहार के माध्यम से कहीं ना कहीं कटुता निकलती है। हमारे इष्ट मित्र परेशान होते हैं, पड़ोसी परेशान होते हैं, शिष्य परेशान होते हैं, गुरु परेशान होते हैं, तो फिर हम गुरु के विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए गुरु के महत्व को समझे, गुरु के विचारों को अपने जीवन में स्थान दे। अगर यदि जिस दिन हमको गुरु का महत्व समझ आ जाएगा उस दिन हम सच में हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन सा लगेगा, बस लगेगा मुझे आनंद की जिंदगी जीना है, मुझे सिखवा और शिकायत वाली जिंदगी नहीं जीना है। छोटी से नन्ही से प्यारी से मुन्नी सी जिंदगी में कितने कितने लोगों से शिकायत करेंगे। इसलिए आज अवसर मिला है, हम सबको गुरुजनों के सानिध्य में जाना चाहिए। समय मिले अवसर मिले तो साल में एक बार दो बार, बड़ा आयोजन ना कर सके तो कम से कम साल में एक बार दो बार गुरुजनों को अपने घर में करीब में ला करके बिठा करके पूजा करना चाहिए, कुछ शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए। गुरु का महत्व है, इससे आने वाली पीढ़ी समझेंगे कि आने वाली पीढ़ी ये जानेंगी कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है, गुरु से शिक्षा कैसे लिया जाता है। संत के जाने से एक नया आभा मंडल मिलता, एक नया वातावरण तैयार होता है, एक नया तरंगायित हो उठता है उस जगह।
आप किसी आश्रम में जाने के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे, गुरु भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप गुरु के करीब बैठेंगे, आपको लगेगा मुझे बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। कहाँ से आनंद मिल रहा है? क्योंकि जिसके आप करीब बैठे हैं उसके अंदर एक नया तरंग प्रवाहित हो रहा है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके अंदर इफेक्ट पहुंचा रहा है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं मोबाइल का नेटवर्क यहाँ तक आता है, वैसे ही गुरु और संत के करीब जाते हैं या गलत व्यक्ति के करीब जाते हैं तो उनके अंदर से भी एक तरंग प्रवाहित होता है, वो आपको प्रभावित करता है। और यदि आप घर में लाते हैं, आप संत और गुरु के पास जाते हैं तो आप बस प्रभावित होते हैं, और घर में लाते हैं तो पूरे परिवार के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं, पड़ोसी प्रभावित होते हैं, उस जगह का वातावरण कुछ नया ढंग से तैयार होता है। इसलिए संत गुरुजनों को अवसर मिले तो निश्चित ही अपने करीब, अपने घर में, अपने आंगन में बुलाना चाहिए और सहसम्मान स्वागत करना चाहिए। निश्चित ही हम अपने जीवन में आगे विकास करते चले जाएंगे। पूज्य गुरुजन विराजमान हैं, बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी बहुत ही सुंदर श्रवण विचार श्रवण कर रहे थे संश्री अनिल ढीला कर लिया कर। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, आप सब के बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। इसी कड़ी में कुछ देर आप लोगों के बीच विचार प्रस्तुत है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। अंधकार से प्रकाश की ओर का मतलब यह नहीं है कि कोई आदमी हमें, हम रूम में बैठे हों जहां अंधकार हो और हमें बाहर प्रकाश में ले जाए वह गुरु हो जाए, ऐसी बात नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर प्रकाश जागृत कर दे, जो हमारे अंदर सोए हुए सुप्त सुषुप्त में ज्ञान के विचार हैं, ज्ञान जो हमारे अंदर सुप्त अवस्था में पड़े हैं उन्हें जागृत कर दे, हमें जगा दे, वह गुरु है। जैसे कोई बच्चा जब छोटा होता है तो उसे अनार आम पढ़ाया जाता है तो वो उसके अंदर उस जानने की क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता को गुरु जागृत करते हैं, उसे जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए शिक्षकों को भी गुरु कहा जाता है। गुरु अनेक हो सकते हैं लेकिन सद्गुरु एक होते हैं। वास्तव में गुरु पूर्णिमा नहीं है, सद्गुरु पूर्णिमा है। क्योंकि गुरु तो हमें अनेक मिल जाते हैं, जैसे कोई किसी चीज की जानकारी दे दिया तो वह गुरु हो गया, कोई काम सिखा दिया तो वह भी गुरु है, कोई पढ़ना लिखना सिखा दे वह गुरु है, जो हमें बोलना सिखाते हैं वो गुरु हैं, चलना सिखाते हैं वो गुरु हैं, एक छोटा सा काम साइकिल का पंचर बनाना भी अगर हम किसी से सीखते हैं तो वह हमारे लिए गुरु हो जाता है। लेकिन सदगुरु वह होता है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए ये ढंग बताते हैं, ये तरीका बताते हैं, वो होते हैं सदगुरु। क्योंकि जीवन तो जीने के लिए हम सब जी रहे हैं, पशु भी जीवन जी लेता है, दिन भर घास चरता है और गाय जब दिन भर घास चरती है और घर में अपने आती है तो अपने बच्चों को पालन पोषण वो भी कर लेती है। अगर वैसे ही हम सब वही काम कर रहे हैं, दिन भर खेत खलिहान में काम धाम कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर ले रहे हैं और अपने बच्चों का परवरिश कर ले रहे हैं, तो हम भी
जानवर से कुछ कम नहीं है। वास्तविक जीवन क्या है, इस बात को अगर हम समझते हैं, जो जीवन जीने का तरीका है, जो जीवन जीने का ढंग है, उस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो ही हमारा जीवन जीना सार्थक है, अन्यथा बेकार है। जीवन जीने की तरीका क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, इस कला को सीखना ही सार्थकता है इस जीवन की। और पहले तो यह समझ लें कि जीवन है क्या, जीवन क्या है। हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं कि जीवन जीने की कला सीखना है, जीवन जीने की बात हमें जाननी है, लेकिन जीवन क्या है यही बात हम नहीं समझ पाते हैं। पहले तो हमें यह जानना होगा कि जीवन है क्या। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने एक छोटी सी पुस्तिका में जीवन क्या है या एक अच्छे ढंग से समझाया है। बहुत छोटी सी पुस्तिका है जीवन क्या है, उसमें पहले ही एक पद है, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस दो दिन जीवन मेला है, बस दो दिन का मेला है। तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, तन और जीव के मिलन की स्थिति अर्थात जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वह जब तक जीवन जीता है, जब तक जीवित रहता है, तब तक वह जीवन है, अन्यथा शरीर और आत्मा से जब संबंध हट जाए, संबंध टूट जाए, तो आदमी का शरीर तो पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है, तो कोई नहीं कहता है कि यह जीवित है, यह जिंदा है, यह जीवन है। कोई आदमी मरा हुआ पड़ा हो तो आप क्या उसे कहेंगे कि यह जीवन है, इसके अंदर जीवन है, नहीं कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है कि तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, तन और जीव के मिलन की स्थिति ही जीवन है, बस दो दिन का मेला है। दो दिन ये तो कहने का एक रिवाज है, एक तरीका है। दो दिन का मतलब है रात और दिन। हर इंसान के जीवन में रात और दिन ये घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, और एक दिन इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो कहने का बात का मतलब यही है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जो हमें मौका मिला है, जो अवसर मिला है, यही जीवन है। और इस अवसर को यदि हम अच्छे ढंग से दोहन कर लेते हैं तो यही जीवन को सुंदर बनाना है। हम क्या करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। एक होता है व्यवहार और एक होता है परमार्थ। व्यवहार जब हम लोगों के साथ कोई काम धाम लेन देन रखते हैं तो यह है व्यवहार, और अपने जीवन के लिए कुछ काम करते हैं वह है परमार्थ। अपने जीवन के लिए मतलब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये परमार्थ का काम हुआ। लेकिन व्यवहार का काम क्या है, आप बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लोगों के साथ बात व्यवहार करते हैं, कोई आदमी कहीं जा रहा है तो उसको आप पहुंचाते हैं, उसे बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी क्रिया काम करते हैं आप, ये व्यवहार है। दोनों को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल के पहिए में किसी एक में भी अगर हवा कम हो तो वो मोटरसाइकिल अच्छे ढंग से नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे अध्यात्म और परमार्थ, व्यवहार और परमार्थ, ये दोनों के बैलेंस अगर नहीं होंगे तो हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चल सकता। हम लोगों से अच्छा व्यवहार करना तो जानते हैं लेकिन अपने लिए कभी समय नहीं निकालते हैं तो अंदर से हमेशा पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे। लोग हमें मानेंगे, जानेंगे कि ये बहुत बड़े नेता हैं, तो ये अभिनेता हैं, ये बहुत बड़े मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, ये अरबपति हैं, खरबपति हैं, अमीर हैं, लोग जानेंगे,
लेकिन उनसे पर्सनल जा करके मिलिए, क्या आप सुखी हैं? तो वह भी कहेगा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। जो बाहर से दिखने में बड़ा चकाचक, बड़ा शांति प्रिय लगता है, वह भी हमेशा दुखी रह सकता है। लेकिन एक गरीब, जिसको आप कहते हैं फकीर, जिसके पास तो पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, किसी पेड़ की छाया में रह लेता हो, वह भी सुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शांति रूपी धन है वो उसने पा लिया है। तो हम सबको उस धन को प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसके पा जाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है। वो संतोष रूपी धन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम सब सुख से और शांति से जीवन जी सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब यही सीख लें, यही अपने जीवन में संकल्प लें कि हम हमेशा सुखी और शांतिमय जीवन जीने का काम करेंगे। इसी संकल्प और इसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। के समक्ष कार्यक्रम के सारंभ में एक भजन आप लोग के बीच प्रस्तुत है। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। अज्ञान चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होता नहीं सवेरा। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या पथ प्रकाश कर दो चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे जीवन के जीर्ण चादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन के जीर्ण चादर। यह पाप की गठरिया क्या खोल कर दिखाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। दुख वृत्तियों ने मुझको
कभी लोभ मोह बनकर दुख वृत्तियों ने मुझको घेरा कदम कदम पर कभी काम क्रोध बनकर कभी लोभ मोह बनकर इन दानवों से कैसे इन दानवों से कैसे अपना गला छुड़ाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए माना कुपात्र है हम क्या कष्ट सह सकेंगे मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकेंगे माना कुपात्र है हम क्या कष्ट सह सकेंगे मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकेंगे दाता तुम्हारे दर से दाता तुम्हारे दर से जाए तो कहाँ जाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय भजनकार बहुत ही सुंदर इसमें गुरु और शिष्य क्योंकि जब कोई शिष्य गुरु के पास आते हैं तब गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिए होते हैं उन ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञान के द्वारा शिष्य अपने अंदर के खोट को समझ पाता है अपने अज्ञान को समझता है और गुरु से निवेदन करता है वंदना करता है कि गुरुवर जो मनोविकार है काम क्रोध लोभ ये दानों के रूप में मुझे घेरे हुए हैं इन दानों से हम कैसे बचे इसलिए शिष्य गुरु के पास जाते हैं उन अज्ञान को दूर करने के लिए उन कमियों को जो हमारे अंदर है चाहे वो लोभ के रूप में हो चाहे वो क्रोध के रूप में हो चाहे जिस किसी प्रकार के उन मनोविकारों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु के पास जाते हैं और जा करके वहां गुरु की सेवा करते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और जैसे गुरु अपने जीवन को कल्याणमय बनाए होते हैं दुख मुक्त बनाए होते हैं अपने मन के विकारों को निर्मल अपने मन को निर्मल बनाए होते हैं ऐसे ही ज्ञान शिष्य को देते हैं और ज्ञान के माध्यम से शिष्य भी अपने मनोविकारों को दूर करते हैं और अपने मन को निर्मल बना लेते हैं आए इसी क्रम में विचारों को आगे बढ़े हम लोग के बीच मैं निवेदन कर रहा हूँ गीतेश साहब से कि आप भी इस अवसर पर अपने विचारों हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें संत से गीतेश साहब लीड लगा दी हाँ
चलो बैठो। हाँ ठीक, पंखा थोड़ा थोड़ा चालू करो। हाँ हेलो हेलो हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर अवसर हम सबको आज मिला है सत्संग का। आज इस सत्संग हाल में हम सब गुरु पूर्णिमा और महीने के प्रथम तारीख को मासिक सत्संग होता है, उसमें हम विराजमान हैं। गुरु पूर्णिमा, वैसे पूर्णिमा के दिन मना चुके हैं, परंतु गुरु का उपकार और गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का कर्जदार हम हमेशा हैं, और उस कर्ज को चुकाने के लिए एक ही काम हमें करना है। वो काम है कि गुरु के बताए मार्ग पर हम चलें, क्योंकि हम गुरु के मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो ही हम एक सच्चे शिष्य हो सकते हैं। गुरु पूर्णिमा तो हम मना लेते हैं, गुरु से ज्ञान की बातें भी ले लेते हैं, परंतु उसे हम कानों तक ही रख पाते हैं, उसे आचरण में उतार नहीं पाते हैं। और फल यह होता है कि हम जहां के तहां खड़े रह जाते हैं, हमें जिस स्थिति में गुरु ले जाना चाहते हैं, आप सब जानते होंगे, कई बार सुने भी होंगे, संत गुरुजन बताते हैं कि गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वे गुरु होते हैं। और हम गुरु के ज्ञान प्रकाश तो प्राप्त करते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, और इस कारण ये होता है कि हमारा जीवन मितोष दुर्गुण अविवेक भरा रह जाता है। संत गुरुजन कहते हैं कि गुरु का प्रयास होता है कि शिष्य केवल शिष्य ही बनकर के ना रहे, परंतु वो गुरु के गुण को धारण करके अपने भीतर के गुरुत्व का उद्घाटन कर ले। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। पारस पत्थर का उदाहरण सदगुरु कबीर साहब देते हैं, गुरु की तुलना करते हैं, कैसे पारस पत्थर, वैसे तो कहा जाता है कि पारस पत्थर नाम की कोई चीज नहीं, वो एक कल्पना मात्र है, परंतु जो भी हो,
पारस पत्थर जब लोहा को स्पर्श करता है, लोहा पारस पत्थर से स्पर्श कर स्पर्श होता है, उसके संपर्क में आता है, तो वो लोहा कंचन अर्थात सोना बन जाता है। परंतु कोई शिष्य सच्चे मन से सच्चे भाव से गुरु के पास जाते हैं जाता है तो गुरु उन्हें शिष्य ही नहीं बल्कि गुरु बनाते हैं। पारस का गुण है कि वो लोहा को कंचन बना देगा, लोहा कंचन हो गया, सोना बन गया, परंतु वो पारस नहीं बन पाया। पारस अपने गुण को दे करके उस लोहा को पारस नहीं बना पाया। वो पत्थर सिर्फ उस लोहा को सोना बना पाया और वो सोना किसी और लोहा से छुए तो वो लोहा लोहा ही रह जाएगा, वो सोना नहीं बन पाएगा। परंतु संत गुरु सदगुरु ऐसे होते हैं कि वो जिस शिष्य को छू ले वे गुरु बना देते हैं, अर्थात अपने गुरु के गुण को शिष्य में उड़ेल देते हैं। अब पात्रता हमारी कितनी है, अभी बारिश का महीना चल रहा है, बारिश हो रहा है और जहां जितनी जगह है जितना गड्ढा है पानी वहां उसमें उतना ही टिकता है। बड़े तालाब है तो उसमें ज्यादा पानी टिकता है, छोटा गड्ढा है तो उसमें कम पानी टिकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन की बात है, सदगुरु संत अपने ज्ञान को शिष्यों पर उड़ेलते हैं, ज्ञान की बारिश करते हैं, परंतु यदि हम में पात्रता नहीं है, हमारा ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, तो हम उतना ग्रहण नहीं कर पाएंगे जितना गुरु हमें देना चाहते हैं या जो स्थिति में हमें देखना चाहते हैं वो स्थिति हमारी नहीं बन पाती है। इसीलिए पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। गुरु अपने शिष्य को शिष्य रहने नहीं देते, वे उनके भीतर गुरु को गुरुत्व का उद्घाटन करने का प्रयास करते हैं, अंधकार की ओर से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है। लेकिन हमारा हमारी जो सोच है, जो विचार है, जो विवेक है, यदि उनके ज्ञान का आधार ना लेकर के केवल शब्दों को पकड़ करके आचरण विहीन हो करके हमारा जीवन बना हुआ है तो हमारे भीतर भी वो गुरुत्व का उद्घाटन नहीं हो पाएगा। जैसे जंक लगे हुए लोहे में पारस स्पर्श हो तो भी वो सोना नहीं बन पाएगा। इसी भी प्रकार हमारे भीतर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जंक लगा हुआ है और ये जंक जब तक साफ नहीं होगा तब तक गुरु के ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। और दूसरी भाषा में ये कहें कि जब तक गुरु का ज्ञान हमारे भीतर धारण नहीं होगा तब तक ये जंक मिट भी नहीं सकते। दोनों बात है, जब तक हम ज्ञान को धारण करेंगे, जीवन में आचरण करेंगे गुरु के ज्ञान का, तभी हमारे मन के मैल मिटेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहे के जंग सुड़ाने के लिए उसे सान पर चढ़ाया जाता है, खरसान पर चढ़ाया जाता है, किसी चीज को धार बनाने के लिए उसके मरे हुए धार को तेज करने के लिए सान पर चढ़ाया जाता है, खरसान पर चढ़ाया जाता है, तो
वो जंक घिस करके पुनः धारदार हो जाता है। तलवार हो, छुरी हो, कुल्हाड़ी हो, बसुला हो, जो भी वस्तु हो उसे हम शान पर चढ़ाते हैं, वो तो धारदार हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि खरसान पर चढ़ाने से लोहे का जंग छूटता है, उसी प्रकार नित्य नित्य सदगुरु के ज्ञान की चर्चा करने से, उनके ज्ञान का आचरण करने से, सत्संग करने से, सत्संग की राह पर चलने से मन के विकार भी मिटते हैं। नित की गोष्ठी माया मोह टूटे, मन का मोह ममता मम मन का कलह कल्पना ये सारी दुर्गुण दोष सारे दोष दुर्गुण नष्ट होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने में वो पात्रता बनाएं कि गुरु के ज्ञान हमारे हृदय में बस पाए, गुरु के ज्ञान हमारे हृदय में बसे, हम उसका आचरण कर पाए। गुरु का निरंतर प्रयास है कि शिष्य का जीवन गुरु के समान हो जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। यदि सब सुख को पाना चाहते हो और सब दुख से दूर होना चाहते हो तो मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सारी संसार की आशा वासनाओं का त्याग करके जो भी मन में आशा इच्छा तृष्णा है उसे त्याग करके, छाड़ सकल की आस त्याग कर, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सब सुख पाना चाहते हो तो आसना वासनाओं को त्याग करके मेरे जैसे हो जाओ, मेरे जैसे निष्काम हो जाओ, निर्मोही हो जाओ, निर्लोभी हो जाओ, तो उस गुरुत्व को पा सकते हो। फिर हम अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकते हैं। गुरु का यही उपदेश होता है। हम गुरु के प्रति पल पल कृतज्ञता उनके कर्जदार हैं। पल पल हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु के बातों को स्मरण करना चाहिए। यही तो असली गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का समय आता है तो हम गुरु को कुछ चढ़ा देते हैं, कुछ भेंट दे देते हैं, कुछ द्रव्य दे देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने गुरु पूर्णिमा मना लिया, गुरु के ज्ञान गुरु ने जो ज्ञान दिया है उनका कर्जा हम उतार लिए, दक्षिणा दे दिए, दान कर लिए, इतने पर ही हम सीमित हो जाते हैं। संत जन कहते हैं कि यदि असली गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हो, गुरु को कुछ सचमुच देना चाहते हो तो अपने खोट को दो, अपने भीतर अज्ञानता है उसको दो, उसका दान कर दो। द्रव्य हम दे सकें या ना दे सकें किंतु हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में जो मैल है, जो दोष है, उन्हें हम गुरु को समर्पित कर सकते हैं। और गुरु को समर्पित करेंगे तो वो गुरु उस हमारे दोष दुर्गुण को अपने पास नहीं रखेंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की अग्नि में उन्हें नाश कर देंगे। तो असली काम हमें यह करना है कि हम अपने दोष और दुर्गुण का त्याग करेंगे। जीवन में हम सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, स्वरूप स्थिति का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिना त्याग किए हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और गुरुजन कहते हैं कि आप त्याग नहीं करोगे इस संसार की माया मोह का, इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग नहीं करोगे तो मृत्यु जबरदस्ती छुड़ा करके ले जाएगी।
और मृत्यु जब छुड़ाएगी तो फिर वहां पुनर्जन्म पुनः उस दुख में जाने का मार्ग बनेगा। लेकिन अपने से छोड़ देंगे, त्याग वैराग भाव से खुद से छोड़ देंगे तो फिर आगे हमें दुख में पड़ने का रास्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जिसके आगे सुख और दुख का रास्ता नहीं है, फिर सुख और दुख दोनों का रास्ता खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु संत हमें ज्ञान देते हैं, स्वरूप स्थिति का ज्ञान देते हैं। जिस स्वरूप स्थिति का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद पुनः आगे आशा वासना बनने का कारण नहीं रह जाता है, फिर दुख झेलने का दुख भोगने का कारण समाप्त हो जाता है। इसलिए आज के इस गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने दोष और दुर्गुण को मिटा करके गुरु के दिए हुए ज्ञान को धारण करके हम अपने भीतर के गुरुत्व का उद्घाटन करें, अपने निज स्वरूप स्थिति का ज्ञान प्राप्त करें जो सब सुखों का खान है। यही संत गुरुजन हमें बताना चाहते हैं, यही सुख हमें देना चाहते हैं। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु संतों को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु राम सूर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त प्रवर श्री विशुहा राम की जय। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धरत नाशत शकल करम जनित अघपीर अजर अमर त्रय काल सत जो अनंत चेतन निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपर सोई तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उत बोधक जोई ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित शीश झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में हमारे संतों के द्वारा आप लोगों ने विचार सुना है, पुनः दोहराते हुए पुनः फिर से आप लोग याद करें, क्योंकि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व मना रहे हैं। आप लोग को विदित है आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा रही है, उस समय सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग गुरु पूर्णिमा मनाए और सरकार की ओर से भी गुरु पूर्णिमा के लिए विद्यालय में मनाने के लिए भी आदेश मिला था, ऐसे मैंने सुना है। हमारे विचार साहब राजीव में गए भी थे विद्यालय में, तो गुरु पूर्णिमा एक पावन पावन पूर्णिमा है जो गुरु की महत्ता पर गुरु की महिमा पर ये पर्व मनाया जाता है। इस संदर्भ में तो हम लोग सुना ही है कि किमिदंती तो यह है वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ, उसी के नाम से ये गुरु पूर्णिमा
के नाम से जाना जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और दूसरा है व्यास पूर्णिमा के नाम से आज हम सब जानते हैं। गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। गुरु वास्तव में सर्वोपरि होते हैं, ऐसे इस पर भी जरा सोचा जा सकता है। ये सद्गुरु पूर्णिमा हम कह भी सकते हैं। गुरु अनेक होते हैं लेकिन सद्गुरु वो होते हैं जो निष्काम होते हैं, निर्लोभ होते हैं, आप्त काम निष्काम होते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण में ही जीव का उद्धार होता है। ये सद्गुरु पूर्णिमा कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। अब रह गई बात, ये गुरु पूर्णिमा एक तरह से समर्पण है। शिष्य और गुरु दोनों को समर्पित होना पड़ता है। गुरु को भी समर्पित होना होता है और शिष्य को भी समर्पित होना होता है। अगर गुरु समर्पित है और शिष्य समर्पित ना हो तो भी बानक नहीं बनेगा। गुरु भी निष्काम हो और शिष्य भी निष्काम हो तब बानक बनता है। गुरु के सद्गुरु के संदर्भ में सद्गुरु कबीर साहब ने भी विचार दिए। वैसे कबीर साहब के सद्गुरु के विषय में संदिग्ध है, वैसे विद्वत जगत में ये माना जाता है। स्वामी रामानंद को उनके गुरु माने जाते हैं लेकिन उनकी जो खोज, उनका जो अध्यात्म है, उनकी जो वैज्ञानिक जो विश्लेषण है, अगर उस धरातल पर जाएं तो स्वामी रामानंद का जो विचार है वो भिन्न है और कबीर साहब का विचार भिन्न है। इसलिए गुरु रूप में हम स्वीकार सकते हैं लेकिन सद्गुरु के रूप में विज्ञान वैज्ञानिक धरातल पर उतरें तो सद्गुरु के रूप में हम नहीं स्वीकार सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में अंतर ज्योति शब्द एक नारी का गुरु पर उन्होंने चर्चा नहीं की लेकिन गुरु के महत्व पर उन्होंने कहा भी है। सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे दिशे दरिया माय। कबीर साहब कहते हैं सद्गुरु तो करो लेकिन कैसे करो। सद्गुरु ऐसा कीजिए जिनमें लोभ ना हो, मोह ना हो और भ्रम ना हो। संसार सागर में रहते हुए संसार सागर से वे अलग हो। कोटि कोटि तीर्थ करूं, कोटि कोटि करूं धाम, जब लग सद्गुरु से ये तब लग काचा काम। यहाँ तक वे कहते हैं करोड़ों करोड़ों तीर्थ कराओ, करोड़ों करोड़ों धाम कराओ, जब तक सद्गुरु की सेवा अगर नहीं करोगे तो सब कच्चा काम आपका है, कल्याण होने वाला नहीं है। बीजक में साहब जगह जगह कहा है कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा, तय साहेब के लागौ साथा, दोई दुख मेट के हो सनाता, संकट सोच पोच या कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अत निश्चल ना उठ मिलो कबीरा। कबीर साहब सदगुरु उन्हें मानते हैं जो आप्त काम हो निष्काम हो, वो वास्तव में सच्चे सदगुरु है। और ये चर्चा गीता में भी आई है। अर्जुन ने पूछा है कि जो आप्त काम निष्काम पुरुष है उसके क्या लक्षण है, तब कहा गया है ये बहुत सुंदर वहाँ श्लोक में कहा गया है कि वो पुरुष कैसे होते हैं। तो वहाँ गीता में कहा गया है प्रजा हाथ यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवच आत्मत संतुष्टस्य। वो पुरुष कैसे होते हैं, वो आप्त काम होते हैं। मन में जो रही हुई सारी कामनाओं को जिन्होंने ध्वंस कर देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, वे वास्तव में सच्चे प्रज्ञावान अवस्थितवान महापुरुष हैं। इसके पूर्व लक्षण भी पूछा गया है। अर्जुन ने पूछा ऐसे पुरुष का लक्षण क्या है, उन्होंने कहा है कि वो कैसे वे चलते हैं, कैसे वे बैठते हैं, कैसे वे चलते हैं,
उनको बहुत सुंदर ढंग से वहाँ कहा गया है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आशित ब्रजेत। ऐसे जो स्थितवान है जीवन मुक्त पुरुष हैं वे उनके क्या लक्षण है, भाषा नाम लक्षण क्या है और वे कैसे वे बोलते हैं ब्रजेत कैसे वे चलते हैं। तब वहाँ बताया गया कि वे पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होते हैं और सारी कामनाओं को जिन्होंने ध्वंस कर देता है वे वास्तव में स्थितवान और प्रज्ञावान महापुरुष है। यस्त आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होते हैं जो आत्मा में रति करता है आत्मा में प्रेम करता है तो उन्हें दुनिया में और कोई शेष करने का कर्म रह ही नहीं जाता है। तो गुरु ऐसे होना चाहिए और शिष्य को कैसे होना चाहिए वो भी निष्काम होना चाहिए तब गुरु और शिष्य का बानक बनता है। और ये उदाहरण हमें इतिहास से भी मिलता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने अपने बुढ़ापा तक महात्मा बुद्ध की सेवा में वो लगे रहे और सदगुरु श्री विशाल देव की सेवा में और उनकी शरण में सानिध्य में 40-45 साल तक सदगुरु श्री प्रेम साहेब समर्पित होकर के वे लगे रहे और सदगुरु अभिलाष साहेब 18 वर्ष तक सदगुरु राम सूरत साहेब की सेवा में वे रहे। गुरु और शिष्य का तभी मानक बनता है गुरु भी निष्काम हो शिष्य भी निष्काम हो तब गुरु और शिष्य का बानक बनता है। और आजकल गुरु भी ऐसे हैं और शिष्य भी ऐसे हैं। गुरु भी सोचते हैं किसी तरह शिष्य हमारे आश्रम में आ जाए और चेला भी सोचता है कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो बूढ़ा हो रोगी हो जल्दी मरे और मैं आश्रम का महंत बनूं। तो ऐसे जो स्वार्थी चेला ऐसे स्वार्थी शिष्य से कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों को निष्काम होना है। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं इसका मतलब है कि आज समर्पण दिवस है। शिष्य को चाहिए निष्काम होकर के गुरु की शरण में समर्पित हो जाए केवल कल्याण की भावना रहे मान बढ़ाई की कामना ना हो धन वैभव की कामना ना हो केवल केवल कल्याण की आशा हो ये शिष्य का लक्षण है। और गुरु का लक्षण है सद्गुरु का लक्षण है वे भी निष्काम हो आप्त काम हो शिष्य से कुछ भी ना चाहें तो निश्चित है ये गुरु पूर्णिमा मनाने का हमारी एक सार्थकता होगी। और भक्त को भी चाहिए कि वे वैसे दो परंपरा हैं विरक्त परंपरा और गृहस्थ परंपरा। विरक्त परंपरा तो निष्काम होकर के गुरु की शरण में होना ही चाहिए और गृहस्थ परंपरा को भी गुरु की शरण में आकर के और उनके जो आदेश है निर्देश है उनको अपने जीवन में उतारना होगा। सदगुरु तो निष्काम है और हम निष्काम ना हो तो कैसे बनेगा उद्धार हमारा कैसे हमारा उद्धार होगा। इसलिए शने शने आगे बढ़ते 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 हम भी निष्काम हो यही गुरु पूर्णिमा मनाने की हमारी सार्थकता होगी और यही गुरु पूर्णिमा मनाने की सफलता होगी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैंने थोड़ी चर्चा की और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे विराजमान हैं उनसे भी हम उनके अमृत वाणियों से लाभान्वित होंगे। जरा एक बार जोर से जयकारा करें बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।